नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और उम्मीद करता हूँ मैं आप जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ तन मन और धन से अपने स्टडी को निरंतर जारी रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग से ही पता चल रहा होगा, आज का जो अपना सेशन रहेगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की सीमाएं। और रेगुलर आप लोग जितने भी हमारे यूट्यूब पर वीडियो उनको देखते रहें, उन्हीं से आप लोगों की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी, और कंटिन्यूटी अगर बनी रहेगी तो आप लोगों की जो स्टडी होगी वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, एकदम आपकी स्टडी में निखार आने लगेगा। तो आप लोग हमेशा नोटबुक, पेन, कॉपी, जो भी है आपके पास, जो भी हथियार है वो उनको साथ में लेकर पढ़ें बैठे, ताकि आप लोग जो भी कुछ काम की चीजें होती है वो टू द पॉइंट नोट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अच्छे से बनाते रहें। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है, ऐसे समझ लेंगे आप लोग। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान की सीमाओं का जो टॉपिक है, और ये सीमाएं राजस्थान के चारों तरफ की सीमाएं तो नहीं बदली, बट राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनकी उनमें से कई ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं बदल चुकी हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और यहां से हम लोग ऐसा नहीं है कि नॉर्मली पढ़ेंगे, एकदम डेप्थ में जाकर ये सीमाएं किस प्रकार से बदली, क्या बदली, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी की सारी चीजें इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप मिस न करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उन लोगों को भी इस चीज का अच्छे से फायदा मिल सके। जैसा आप लोगों को विदित है कि राजस्थान के ज्योग्राफी को लेकर जो चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे, आने वाले कंपटीशन के एग्जाम्स में निश्चित ही यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक बार से फिर से हम लोगों को राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और आप लोग जैसे निरंतर अध्ययन कर ही रहे हो सेम उसी प्रकार से आप अपने अध्ययन को जारी रखें। तो चलिए करते हैं बिना किसी विलंब के अपने टॉपिक की शुरुआत, और इसमें देखना हमें वही चीजें जैसे हम लोग पीछे पढ़ते आए उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। किसी भी चीज को ऊपर से जैसे नॉर्मली वे में नहीं पढ़ना है, एकदम डीप जाके इस चीज को अपने को अच्छे से पढ़ना है। देखिए कैसे। अब इसमें जैसे हम लोग इस टॉपिक से चर्चा करें, तो यहां से आप लोग देखना, जैसे टॉपिक आ रहा है सीमाएं, यहां से आपको पहले यह ध्यान रखना है कि सीमाओं का वर्ड क्या है, या सीमाएं किस किस प्रकार की होती है, क्या होती है क्या नहीं होती, उसके बारे में देखते हैं। देखो तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये बात स्पष्टतः बता दूं कि चाहे आप लोग किसी भी क्षेत्र विशेष की बाउंड्रीज या सीमाएं पढ़ें, तो पहले ये माइंड में सोच समझ कर पढ़ना है कि सीमाएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। अक्सर तय आप लोगों को कई बुक्स में, कई टीचर्स वगैरह ये बता सकते हैं कि सीमाएं दो प्रकार की होती है, बाउंड्रीज इज टू टाइप्स, बट नहीं, बाउंड्रीज जो होती है, सीमाएं जो होती है वो तीन टाइप की होती है, तीन प्रकार की होती है। चाहे तो वो कोई बड़े से बड़ा महाद्वीप हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई जिला हो, कुछ भी हो, सीमाएं जो होगी वो कितने टाइप की होगी, तीन टाइप की। और ये तीन टाइप की जो सीमाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, तो इसमें अपने को थोड़ा सा पढ़ लेना है। देखो तीन प्रकार की बाउंड्रीज, इस तीन प्रकार की बाउंड्रीज में सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है स्थलीय सीमा, कौन सी सीमा होगी, स्थलीय सीमा। तो पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा में आप लोग पढ़ सकते हैं कि स्थलीय सीमा कौन सी होगी, ऐसी सीमा रेखा जो स्थल से स्थल के द्वारा डिसाइड होती हो। स्थल के बाद में अगर हम लोग बात करें
तो एक होती है देखो जलीय सीमा, और जलीय सीमा के बाद में अगर अपन बात करें तो एक सीमा जो होती है वो होती है तटीय सीमा। तो ध्यान देना है प्यारे बच्चों, अक्सर तो लोग बाग इस चीज से अनभिज्ञ होते हैं या लोग बाग इस चीज को सही ढंग से बता नहीं पाते हैं कि जलीय सीमा और तटीय सीमा एक ही होती है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप लोग भी इस चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो ये आप गलत पढ़ रहे हैं, सॉरी। जलीय सीमा और तटीय सीमा में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और तटीय सीमा में किस प्रकार से डिफरेंस होता है ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। इसी इन्हीं पहलुओं को अगर हम लोग चर्चा कर लेंगे ना तो हमारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम लोग वर्डिंग नहीं समझ पाते, और वर्डिंग और उस वर्डिंग का मीनिंग क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, ये चीज हम लोग समझ नहीं पाते। लोग बात बताते हैं कि जलीय सीमा भी वही होती है, तटीय सीमा भी वही होती है। नहीं, आप लोग भी अगर इस प्रकार की किसी भ्रांति या किसी भ्रम में है तो आप लोग दूर हो जाइए। आज मैं बताऊंगा आपको कि जलीय सीमा किस प्रकार की होती है, तटीय सीमा कौन सी होती है, और इसका राजस्थान की सीमाओं पर क्या असर पड़ने वाला है, ये चीजें हम लोग बात करेंगे। देखो, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और तटीय सीमा, हमेशा ये ध्यान रखना है सीमाएं तीन प्रकार की होगी। स्थलीय सीमा में आप लोगों को पता है कि जमीन से जमीन या लैंड टू लैंड, जमीन से जमीन, स्थल से स्थल की तरफ लगने वाली जो सीमा होती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्थलीय सीमा। इसी प्रकार से सेम जल से जल के द्वारा लगने वाली जो सीमा होती है वो जलीय सीमा होती है, लेकिन लोग बात क्या बोलते हैं कि जल और स्थल की जो सीमा होती है वो जलीय सीमा होती है। नहीं, वो जलीय सीमा नहीं होती, वो सीमा कौन सी होती है, तटीय सीमा। देखना एक बार इसको समझना, जल से जल के द्वारा जो बाउंड्री या जो सीमा डिटरमाइन होती हो उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, जलीय सीमा। इसके बाद में देखो कौन सी सीमा आ रही है, तटीय सीमा। तटीय सीमा कौन सी होगी, तो ऐसी सीमा रेखा जहां जल और स्थल दोनों के द्वारा, ध्यान से सुना, जल और स्थल दोनों के द्वारा जो बाउंड्री डिटरमाइन होती हो, जो सीमा रेखा निर्धारण होती हो, उस सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, तटीय सीमा। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं आपको, देखिए कैसे। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहां से इस भारत के मैप के अकॉर्डिंग अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। देखो कैसे, जैसे अगर मान लीजिए, और फिर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या राजस्थान की जलीय सीमा या तटीय सीमा लगती है या नहीं लगती है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर रहेगा, है ना। फिर मैं बताऊंगा आपको कि लगती है या नहीं लगती है, बट एक बार आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप लोगों के जो कई डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। क्लियर है? देखो यहां भारत की अगर अपन बात करें तो दक्षिण भारत का जो एरिया है, क्योंकि उत्तर भारत की अगर अपन बात करें तो उत्तर भारत के चारों तरफ ना तो कोई जलीय क्षेत्र है और ना ही वहां पर कोई जलीय या तटीय सीमा लग पाती है। बट दक्षिण भारत जो है, कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो पार्ट है, साउथ वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया, और कर्क रेखा के नॉर्थ वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत। इसमें ध्यान देना आपको, यहां हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्थल भाग है ना, ये भारत का कौन सा भाग होगा, स्थल भाग। अब इसी में आप लोग ये कह सकते हो कि यहां जैसे ये जलीय भाग है, इस जलीय भाग की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर जलीय भाग कैसे होगा कि यहां पर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है यहां पर है, यानी कि दक्षिण भारत के ईस्टर्न साइड में पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है जो जलीय क्षेत्र है। सेम इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो दक्षिण भारत के पश्चिम में बीच जलीय भाग है, सॉरी, और यहां पर है अरेबियन सी, अरब सागर। अब इसको समझना कि तटीय सीमा क्या होती है और जलीय सीमा क्या होगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे स्थल भाग है यहां पर, इस स्थल भाग से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई भी वाहन अगर चलकर आता है और वो वाहन चलकर यहां पर पहुंचता है, यहां पर, तो वो कहां पर पहुंच रहा है, तट पर पहुंच रहा है,
उसको पूछे कहां पर हो कि तट पर हो। तट का मीनिंग क्या होता है? तट का मतलब होता है किनारा। तट का मतलब क्या होगा? किनारा, है ना। और इसी में अगर मान लीजिए कि यहां से कोई व्यक्ति जलीय क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति चलकर आता है, मान लो कोई शिप चलकर आया और इस शिप ने यहां पर आकर ये शिप रीच हुआ, यहां पर ये पहुंचा, तो देखो यहां ये जो पॉइंट बन रहा है, ये वाला, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये इस पॉइंट में दोनों तरफ से बोलने वाले लोग, ये लोग भी बोलेंगे कि हम तट पर पहुंच चुके हैं, इस साइड वाले लोग भी बोलेंगे हम तट पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जल और स्थल दोनों के द्वारा निर्धारित होने वाली जो सीमा रेखा होती है, उस सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं तटीय सीमा रेखा। क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो ये चीज एक आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अपना राजस्थान है, यहां पर ध्यान देना है, राजस्थान की लोकेशन है ये। अगर राजस्थान यहां पर है तो क्या आप लोग ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि राजस्थान की किसी प्रकार की तटीय सीमा लगेगी? नहीं, राजस्थान की किसी भी प्रकार की तटीय सीमा नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कारण क्या है कि जैसे आप लोगों को यहां पर पता होगा थोड़ा बहुत, देखना कि यहां पर राजस्थान के पास में ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहां से आप लोगों को थोड़ा समझ रहा है, देखो यहां ये वाला जो एरिया है, इसको अपन बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण, कच्छ का रण जो है, इस राजस्थान के संदर्भ में अगर देखोगे तो यहां पर लूणी नदी का अंतिम स्थान है। लूणी नदी कच्छ के रण में आकर यहां पर विलुप्त हो जाती है, कोई जलीय क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार से यहां अगर हम लोग देखेंगे ये वाला क्षेत्र जलीय क्षेत्र, तो यहां पर है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और इधर आप लोग देखोगे तो यहां पर है खंबात की खाड़ी, ये जलीय क्षेत्र है। राजस्थान के पास वाले जलीय क्षेत्रों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये चीजें आगे चलकर बहुत काम आ जाएगी, आप लोगों के आगे चलकर ये बहुत ज्यादा काम आएगी जब हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी राजस्थान की जलवायु के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तब ये चीजें आप लोगों के बहुत ज्यादा मायने रखेगी। उस वक्त आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तविकता में ये चीजें अपने काम की थी। इसीलिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी मकान की अगर नींव मजबूत होगी तो वो मकान अपना लंबे समय तक साथ देगा, वो मकान में, उस मकान में दरारें नहीं आएगी। और नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो वो मकान भी अपना लंबे समय तक साथ नहीं पाए दे पाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोगों की स्कूलिंग एजुकेशन अगर अच्छे से हो रखी हो तो आगे कंपटीशन की दुनिया में हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं आती। और कंपटीशन की दुनिया में वो ही लोग पिछड़ जाते हैं जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, यानी कि उनकी नींव, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाता। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर हमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, और शायद हम लोग यूं कह सकते हैं कि हम दो तीन प्रयासों में या कभी कभार फर्स्ट प्रयास में ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है। यही कारण है, इसलिए हम लोग जो शुरुआत में जो धीरे चल रहे हैं वो धीरे इसीलिए चल रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारे YouTube चैनल मिलेंगे आपको, बहुत सारे। इस YouTube चैनल में आप लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करोगे ना तब ये चीजें आप लोगों के सामने आएगी कि इतना डेप्थ में जाकर इतना हर वर्ड को एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगी। बहुत बड़े बड़े धुरंधर आप लोगों को ये कहते हुए मिल जाएंगे, बट प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता का मतलब है आप एक बार कंपैरिजन जरूर करें। हाँ, हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, हम बिल्कुल भी इस ये दावा नहीं करते, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर हमें बहुत अच्छी तरीके से बिलीव है कि किस प्रकार से कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, और कैसे अगर एक स्टूडेंट को, एक नए स्टूडेंट को हो चाहे ओल्ड स्टूडेंट हो, उनका अगर पास्ट टू प्रेजेंट अगर जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा वो बंदा पिछड़ जाएगा। पास्ट टू प्रेजेंट का मतलब है किसी चीज को शुरुआती, शुरुआत से लेकर आज क्या हो रहा है, उस चीज की अगर कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो हम लोग निश्चित ही पिछड़ जाते हैं। और यही हमारा एक कारण है, हम लोग एक गाइड ले आते हैं और उस गाइड के माध्यम से अगर हम लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो गाइड की हम लोग रीडिंग तो मार लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन वो चीजें समझ में नहीं आएगी अपने। एक ही मान लो कि अगर वर्ड उल्टा सीधा आ गया या कुछ और ऐसा कोई वर्ड आ गया तो फिर हम अटक जाएंगे उसमें, है ना।
तो ये चीजें यहां से आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे शुरुआत करते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर है राजस्थान। राजस्थान की जैसे हम लोग बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि यहां जैसे ही कच्छ की खाड़ी जो है, कच्छ की खाड़ी राजस्थान से बहुत ज्यादा दूर है। कच्छ की खाड़ी राजस्थान से काफी दूर है, लगभग 200-250 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है। खंबात की खाड़ी बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब राजस्थान की किसी भी प्रकार की जलीय सीमा जो है वो नहीं लगती। बंगाल की खाड़ी तो और बहुत ज्यादा दूर है, तो हम लोग इस चीज से श्योर है कि राजस्थान की जलीय सीमा किसी प्रकार से डिटरमाइन नहीं होती, निर्धारण नहीं होती। जलीय सीमा निर्धारण नहीं होती तो सीधी सी बात है तटीय सीमा भी नहीं होती, और जलीय और तटीय नहीं होती तो सीधी सी बात है राजस्थान के पास केवल एक ही बाउंड्री लगेगी, और वो कौन सी लगेगी? लैंड बाउंड्री अर्थात स्थलीय सीमा। तो कम से कम ये तो एक थोड़ा सा अपने पास अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, ये तो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन अपने लिए ये तो थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा कि राजस्थान के साथ जलीय सीमा। अगर ऐसा होता तो हम और पढ़ लेते, इसमें कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं थी। बट अगर किसी देश या किसी राज्य के पास जलीय सीमा होती है तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला अगर कोई देश है तो वो है कैनेडा। क्लियर है? तो राजस्थान इस मामले में थोड़ा सा भाग्यशाली नहीं है। अब इसमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखो ये वाला पॉइंट, तो इसमें हमने कौन सी सीमा पढ़ी? तटीय सीमा। और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा लगे तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को जलीय सीमा के बारे में बता देता हूं। देखो जलीय सीमा, एक्चुअल में जलीय सीमा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है ना? और ये तीन प्रकार की जो जलीय सीमा होती है वो कौन कौन सी होती है तो इसको थोड़ा सा देख लेना। हालांकि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान के भूगोल को लेकर ये थोड़ा सा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बीच में बता रहा हूं आपको। जलीय सीमा किसी जलीय क्षेत्र में किसी देश की या किसी राज्य की कहां तक उसका अधिकार होगा, जल के अंदर किसी क्षेत्र का कहां तक अधिकार होगा, इस चीज के लिए एक इंटरनेशनल नेगोशिएशन है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है कि जलीय सीमा तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है 12 समुद्री मील तक, अर्थात नोटिकल माइल तक। यहां से थोड़ा सा समझ लेना आप लोगों को कि जलीय क्षेत्रों में डिस्टेंस मेजरमेंट, दूरी मापने का जो मापक मात्र किया अपने पास, जो पैमाना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोटिकल माइल, समुद्री मील बोल देते हैं, समुद्री मील। और आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक नोटिकल माइल यानी कि एक समुद्री मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। एक नोटिकल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रख लेना इधर यहां पर, है ना? तो जलीय सीमा कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की। एक तो 12 नोटिकल मील तक, जलीय क्षेत्र में 12 नोटिकल मील तक। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो एक होती है 24 नोटिकल माइल तक, और तीसरी प्रकार की जो होती है वो होती है 200 नोटिकल माइल तक। और इसकी डेप्थ में जाकर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरीके से इसकी चर्चा करेंगे, बट एक बार मैं आप लोगों को मैंने आपको बीच में बता दिया है, ध्यान देना बस। अब इसी में अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्थलीय सीमा के बारे में यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं, और उसके बाद में हम राजस्थान का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की जैसे ही हम लोग चर्चा करेंगे तो स्थलीय सीमा बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन अपने राजस्थान के संदर्भ में और पॉइंट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्थलीय सीमा जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर अपन कौन कौन सी टाइप पढ़ेंगे तो पहले ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखो एक तो होती है स्थलीय अंतर महाद्वीपीय, स्थलीय अंतर महाद्वीपीय। स्थलीय अंतर महाद्वीपीय का सीधा सा मतलब है कि जमीन से जमीन के द्वारा या स्थल से स्थल के द्वारा लगने वाली दो महाद्वीपों के बीच की जो सीमा होगी उसको हम लोग बोल देंगे
स्थलीय अंतर महाद्वीपीय है। सचेज जैसे आप लोगों ने अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग बोल सकते हो कि एशिया प्लस यूरोप, यूरोप और एशिया की जो सीमा है उस सीमा रेखा को हम लोग बोल सकते हैं अंतर महाद्वीपीय सीमा। और आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा कि यूरोप और एशिया दोनों की सीमा जो है वो जमीन जो आपस में मिली हुई है, सो इसीलिए यूरोप और एशिया को हम लोग कंबाइंड रूप से यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो एक तो हो गई अंतर महाद्वीपीय और दूसरी हो गई आप लोगों की कौन सी, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल बाउंड्री। अंतरराष्ट्रीय का मतलब सिंपल सा यहां पर समझ लेना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी होगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच में लगने वाली सीमा रेखा। इसमें जैसे आप लोग बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पाकिस्तान व इंडिया के बीच में जो सीमा रेखा लगती है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीमा रेखा लगती है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि उस सीमा रेखा को हम लोग कौन सी बोलते हैं, रेड क्लिफ बाउंड्री। कौन सी बोलते हैं, रेड क्लिफ। तो दो प्रकार की हुई, तो इसमें राजस्थान के संदर्भ में हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ेंगे और राजस्थान के संदर्भ में हम लोग रेड क्लिफ सीमा रेखा की बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। दूसरा, राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कौन सी होगी, देखना इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ा सा अपने को वापस समझ लेना, देखो कौन सी हो जाएगी, अंतरराज्य, अंतर राज्य। तो ये कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की, है ना। स्थलीय सीमा राजस्थान को लेकर हमें दो ही प्रकार की पढ़नी है, बट अगर मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें स्थलीय सीमा तीन प्रकार की पढ़नी चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें तीन प्रकार की सीमाओं के बारे में अपने को अच्छे से थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए। तो कौन सी होते, स्थलीय अंतर महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के बाद में अंतर राज्य। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान और पंजाब के बीच में लगने वाली सीमा कौन सी सीमा हो गई, अंतर राज्य। हालांकि इन सीमाओं को ज्यादातर अक्सर अंतर्राज्य सीमाओं को कोई नाम नहीं दिया जाता, बट यहां थोड़ा सा अपने को इस प्रकार से थोड़ा सी स्टडी कर लेना है। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें तो राजस्थान के संदर्भ में हमें कौन कौन सी दो सीमा रेखाएं पढ़नी है, एक तो अंतरराष्ट्रीय और दूसरी कौन सी पढ़नी है, अंतर राज्य। इसी तरीके से जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सेम उस तरीके से आप लोगों को अच्छे से यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान की सीमाओं की, और राजस्थान की सीमाओं से लेकर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आगे का सेशन हम लोग करते हैं शुरू। अब देखो राजस्थान की तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई, इस लंबाई में राजस्थान की सीमा रेखा की कुल लंबाई जो टोटल लेंथ है, कुल लंबाई वो कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं 5,850 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की ऑल ओवर सीमा रेखा की लंबाई की अगर बात की जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कि एक बार हम थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना है किस प्रकार से ध्यान देना है। देखो जैसे मान लीजिए कि ये राजस्थान है और इस राजस्थान की जैसे हम लोग चर्चा करें, जैसे तो हमने जैसे मान लीजिए कि यहां से हमने राजस्थान की सीमा रेखा की लेंथ को मापना शुरू किया, और यहां से मापते मापते पूरे राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई को अगर हमने माप लिया, तो ये जो अपने पास लेंथ निकल कर आती है, ये लेंथ कितनी आती है, 5,850 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ है राजस्थान की सीमा रेखा की कुल, है ना। अब इस सीमा रेखा की अगर हम लोग चर्चा करें तो जैसे मैंने आप लोगों को पीछे थोड़ा सा जो बताया उसको अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे हम लोग इस चीज के बारे में अच्छे से
एकदम आश्वस्त हो चुके हैं कि राजस्थान की जलीय और तटीय सीमा रेखा नहीं लगती। तो राजस्थान की जलीय तटीय सीमा रेखा नहीं लगती तो राजस्थान की केवल और केवल कौन सी सीमा रेखा लगती है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा लगती है तो स्थलीय सीमा में राजस्थान की सीमा किसी महाद्वीप से कभी टच नहीं होती। महाद्वीप गया, महाद्वीप से सीमा रेखा नहीं लगेगी। तो उसके बाद में अपने पास ऑप्शन कितने बचे? दो। और दो ऑप्शन कौन से रहेंगे? एक तो राजस्थान की स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा और दूसरा रहेगा राजस्थान की स्थलीय अंतर राज्य सीमा रेखा। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि राजस्थान की स्थलीय अंतर राष्ट्रीय और स्थलीय अंतर राज्य। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की सीमा को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। देखो कैसे, जैसे अगर हम लोग चर्चा करें यहीं से तो क्या देखना, तो राजस्थान की पहली बाउंड्री की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के पास कितने प्रकार की सीमा रेखा हो जाएगी? दो प्रकार की। तो एक तो हो जाएगी इसमें कौन सी? स्थलीय अंतरराष्ट्रीय, है ना। और स्थलीय अंतरराष्ट्रीय के बाद की अगर हम चर्चा करें तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? स्थलीय अंतर राज्य। ध्यान से सुनना है, समझ लेना अच्छे से। राजस्थान की सीमाएं कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। पहले तो ये ध्यान रखना है राजस्थान की सीमा रेखा एक ही प्रकार की है। एक कौन सी प्रकार की? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में कितने प्रकार की है? तो स्थलीय सीमा में दो प्रकार की है। ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को सुनना। पूछा जा सकता है, नॉर्मल वे में क्वेश्चन हो सकता है। अगर पूछे कि राजस्थान की सीमाएं कितने प्रकार की है तो राजस्थान की सीमा एक्चुअल में वास्तविकता में एक ही प्रकार की, वो कौन से? स्थलीय। अगर पूछे स्थलीय सीमा में कितने प्रकार की है तो दो प्रकार की। कौन सी? एक तो स्थलीय अंतरराष्ट्रीय और दूसरी कौन सी हो जाएगी? स्थलीय अंतर राज्य। यहां से आप लोगों को समझ रहे हैं, जैसे स्थलीय अंतरराज्य सीमा रेखा की अगर हम चर्चा करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी 4,850 किलोमीटर। देखो थोड़ी सी एक माइनर मिस्टेक है, सॉरी, उसके लिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये जो कुल सीमा रेखा है ना राजस्थान की कुल सीमा रेखा जो है, इस सीमा रेखा के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है कि राजस्थान की कुल सीमा रेखा जो है ये कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर। सॉरी इसके लिए, तो ये सीमा रेखा कितनी होगी? 5,920 किलोमीटर कुल सीमा रेखा की लंबाई। और इसी कुल सीमा रेखा की लंबाई को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है और ये दो पार्ट कौन से हैं तो इनको आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है। देख लिए, यानी कि अगर हम लोग चर्चा करें यहां पर तो एक तो राजस्थान की सीमा कौन सी हो जाएगी, तो एक बाउंड्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कौन सी? स्थलीय अंतरराष्ट्रीय। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? स्थलीय अंतर राज्य, है ना। स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो राजस्थान की केवल और केवल एक ही देश के साथ लगती है और वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और 1,070 किलोमीटर की जो ये सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये किस देश के साथ शेयर होती है? तो ये होती है पाकिस्तान के साथ। क्लियर है? इसी में स्थलीय अंतरराज्य सीमा रेखा की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसकी कुल लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर। और अंतरराज्य सीमा रेखा राजस्थान कितने राज्यों के साथ शेयर करता है? तो आप लोग बोल सकते हो पंजाब, हरियाणा, यूपी। देखो नॉर्थ से अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले पंजाब, इसके बाद में हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। यानी कि ये 4,850 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है ये कितने राज्यों के साथ शेयर होती है? तो कितने राज्यों के साथ शेयर होगी? पांच। और इस पांच राज्यों में अगर हम लोग चर्चा करें तो कौन कौन से राज्य होंगे? तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं, देखो एक तो है पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में आ जाएगा आपका यूपी, यूपी के बाद में आ जाएगा एमपी, और एमपी के बाद में आ जाएगा कौन सा? गुजरात।
तो ये पांच राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अपनी स्थलीय सीमा रेखा शेयर करते हैं। तो कितने राज्य हो गए? पांच। तो ध्यान रखना है, राजस्थान की कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है, इस सीमा रेखा की लंबाई की अगर हम लोग चर्चा करें तो 5920 किलोमीटर सीमा रेखा की लंबाई है। और इस 5920 किलोमीटर सीमा रेखा की लंबाई में 1070 किलोमीटर सीमा रेखा जो वो तो कौन सी है? स्थलीय अंतरराष्ट्रीय। क्लियर है? और केवल कौन से कंट्री के साथ शेयर होती है? पाकिस्तान के साथ। दूसरी, अंतर राज्यों में इसकी लेंथ अगर अपन देखेंगे तो 4850 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर होती है। और ये कितने राज्यों के साथ शेयर होती है? तो पांच राज्यों के साथ। और ये पांच राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आगे वाला वीडियो आप लोग किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ कंडीशन में देखना न भूलें। क्यों नहीं भूलें? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो राजस्थान के 19 जिले, जो नए जिले बने हैं, उनकी चर्चा अब हम लोग आगे चलकर करने वाले हैं। तो इन 19 जिलों के बारे में एकदम सिंपल वे में, और मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को 101% समझ में आएगा। अगर आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी चैनल को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। तो हम लोग आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो जो वो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।